या पित्र हीलिंग जो मैं बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग इट अबाउट एज अ सब्जेक्ट रेदर देन जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी. मतलब एक होता है कि हम सब श्राद्ध मनाते हैं हिंदू धर्म में, ये 16 दिन का जो पीरियड है, 15 दिन का पीरियड जो है जो शुरू होता है, और उसका यूजुअली टाइम यही होता है गणपति जैसे ही खत्म होता है उसके बाद से लेकर, और नवरात्रि से पहले हम श्राद्ध का पीरियड होता है. और हम सबको मालूम है ये श्राद्ध के टाइम हम यूजुअली, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कुछ नया मत स्टार्ट करना, कुछ नई चीज मत खरीदना, या ये सब हमको बताया जाता है. लेकिन मैं उस तरह से नहीं जाऊंगी, इस सब्जेक्ट को मैं वैसे अप्रोच नहीं करूंगी. क्योंकि जब मैंने यहाँ पे, अभी मैं करंटली ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ, जब मैंने यहाँ पे लोगों को देखा तो उनका एंसेस्टर्स की तरह का मतलब अलग है. मतलब जो हिंदू, जबकि एंसेस्टर का हम हिंदूज में या हमारे कल्चर में शुरू से ही एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आज हम एंसेस्टर हीलिंग की बात करते हैं या एज अ सब्जेक्ट बात करते हैं, तो उसमें कहीं पे भी हिंदुइज्म का बात नहीं होती. इट इज लाइक, अगर आप एंसेस्ट्रल हील मेडिसिन किताब है डॉक्टर डैनियल की, बहुत फेमस बुक है, अगर आप उसमें भी पढ़ोगे तो उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर ज्यादा बात नहीं की है. ही मे हैव टॉक्ड अबाउट बुद्धिज्म में कुछ है या कुछ ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो भी उन्होंने स्टडी की है या उसके ऊपर रिसर्च की है या एंसेस्टर्स को किसी ना किसी थेरेपी में इन्वॉल्व किया है, वो दे हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम हिंदुइज्म. दे से मतलब दे डोंट रेफर टू हिंदुइज्म, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे कल्चर को या हमारे रिलीजन या इसका रेफरेंस पहला होना चाहिए था, क्योंकि वी हैव बीन ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम सो मेनी ईयर्स. लेकिन क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम किस में चले जाते हैं, हम सब वो यू नो छोटी छोटी ऐसी रिचुअल्स में चले जाते हैं जिसका हमें एक्चुअली जस्टिफिकेशन भी पता नहीं होता है कि हम क्यों करते हैं. अभी माँ बाप ने बोल दिया कि अच्छा इस टाइम पे कुछ खरीदना मत, कुछ इन्वेस्टमेंट मत करना, कुछ लोन मत लेना, कुछ नया चीज नहीं करना, क्योंकि ये श्राद्ध का टाइम है. एंड आई थिंक काफी कास्ट में श्राद्ध बनाया भी नहीं जाता है. आई डोंट नो, आई नॉट एवरी कास्ट पीपल, आई एम नॉट श्योर, साउथ में कुछ जगह पे होता होगा, कुछ नॉर्थ में है, बट सम प्लेसेस आर देयर जहाँ पे एंसेस्टर मतलब श्राद्ध नहीं ऑब्जर्व भी होता है. एंड फॉर दैट मैटर इवन आई न्यू के माय इन लॉज दे वर बोथ डॉक्टर्स, उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स का श्राद्ध नहीं किया. They never believed in that concept. उन्होंने कहा कि नहीं श्राद्ध नहीं. So I'm not going into all those nitty-gritties के you know के भाई श्राद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए या क्या rituals, उस हिसाब से मैं इसको एक macro level पे ले रही हूँ. I'm not taking it on a very smaller scale like just India and culture. No. क्योंकि ancestors जो हैं वो as a therapy today. हम जो ये जिंदगी जी रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पे वो हमको इफेक्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट ड्यूरिंग श्राद्ध, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट आर प्रॉब्लम्स, आर डिफिकल्टीज, आर पैटर्न्स, आर टैलेंट्स, आर क्रिएटिविटी, एवरीथिंग एंसेस्टर्स हैव अ रोल टू प्ले. तो हम उसको इस हिसाब से देखेंगे. एंड ऑफकोर्स रिचुअल्स विल बी देयर, इट्स नॉट देयर के रिचुअल्स नहीं है, बट वी विल बी ट्रीटिंग इट फ्रॉम अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, from a psychologist point of view, from a person who is, you know, when somebody comes to you with a problem and says ke mujhe ye aise aise issues hain, ya aap khud dekhte ho apne aap mein mujhe aise issues hain, to aap usko kahan relate kar sakte ho ke wo kahan se aa rahe hain aur kyun aa rahe hain and kis tarah se uska upay kar sakte hain. That will be one section of it. And then of course जो नॉर्मल हम तर्पण या जो भी रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं एंसेस्टर्स के लिए, सो बेसिकली इज कनेक्टिंग टू द एंसेस्टर व्हिच यू कैन डू थ्रू आउट द ईयर, नॉट जस्ट ड्यूरिंग 16 डेज ऑफ पीरियड. ओके, सो हम